700 से ज्यादा वैकेंसीज इंजीनियरिंग कैडर में और 4000 से ज्यादा वैकेंसीज टेक्निकल और क्लरिकल कैडर में, जिसकी वजह से डेली वेजेस की रिक्रूटाइजेशन भी रुकी हुई है। मैं ये बताना चाहता हूँ, कंज्यूमर सर्विसेज इफेक्ट हो रही हैं, कंज्यूमर रिड्रेसल इफेक्ट हो रहा है, कंज्यूमर ग्रीवेंसेज इफेक्ट हो रही हैं। और चीफ सेक्रेटरी साहब को एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पीडीडी का रिकमेंड करके प्रपोजल भेजता है, वो भी 7 महीने पहले। मैं बताना चाहता हूँ, 7 महीने पहले अगेंस्ट द वैकेंट पोजीशंस ऑफ एक्सीडेंस एंड सुपरिटेंडिंग इंजीनियर्स हु आर ऑलरेडी होल्डिंग मोर देन 2 एंड 3 चार्जेस, आज की डेट में इतना स्ट्रेस्ड है डिपार्टमेंट, उस चीज को क्लियर करने के लिए, उस चीज को रिजॉल्व करने के लिए हमने ये आज एक दिन का प्रोटेस्ट नोटिस ऑलरेडी 15 दिन पहले सरकार को दिया। सरकार के तमाम अहदेदारों से मिले, चीफ सेक्रेटरी साहब को हमने टाइम टू टाइम अप्राइज किया, लेकिन आज की डेट में ये कहने का बहुत दुख हो रहा है कि आज जूनियर इंजीनियर से लेकर चीफ इंजीनियर और सभी टेक्नीशियंस ने यहाँ प्रोटेस्ट लीव एक दिन की रखी है। 24 घंटे की हड़ताल जो कल रात 12 बजे से शुरू हुई है, उसकी वजह से हो सकता है कहीं पे बिजली की प्रॉब्लम्स आ रही हो। हम लोगों से अपील करते हैं, ये एक लड़ाई जो लड़ी जा रही है वो कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को एड्रेस करने के लिए लड़ी जा रही है, ताकि जो खाली जगहें उनको मिलती हैं, जो लोग यहाँ जम्मू से ट्रेवल करके जम्मू से पूंछ जा रहे हैं, विजयपुर जा रहे हैं, वहां की चेयर संभालते हैं, कुछ देर के लिए एक दिन जाते हैं दूसरे दिन, क्योंकि उनको एडिशनल चार्ज से बर्डन किया गया है, तो आप सब लोगों की ग्रीवेंसेज इसलिए भी एड्रेस नहीं हो रही है। तो मैं गवर्नमेंट से यही अपील करता हूं, ये जो प्रोटेस्ट है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि 21/12/2021 में जब ये एग्रीमेंट 4 सूत्री एग्रीमेंट हुआ, आज उस एग्रीमेंट की धज्जियां उड़ाई गई, आज इतना ज्यादा मुश्किल हो गया है कि गवर्नमेंट कहीं ना कहीं इंटरेक्ट प्राइवेटाइजेशन की तरफ जा रही है, ना वो रिक्रूटमेंट कर रही है। 350 से ज्यादा जेई जो है आज खाली पड़े हुए हैं, जब सिविल मैकेनिकल में रिक्रूटमेंट हो सकती है, क्या बिजली का महकमा इतना अपाइच हो चुका है कि लोगों की ग्रीवेंसेस को एड्रेस नहीं कर रहा। आज कहीं ना कहीं मैं गवर्नमेंट से यही कहना चाहता हूं, 15 दिन पहले ये नोटिस दिया गया, जब 2021 में हमारे पास सिर्फ 7 दिन थे तब हमने ये नोटिस दिया था, आज 15 दिन पहले हमने एक दिन की हड़ताल का नोटिस दिया, इसको बड़ा लाइटली गवर्नमेंट ने लिया है। गवर्नमेंट को ये लग रहा है अगर किसी को प्रॉब्लम हो भी रही है तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो हम यही आज बताना चाहते हैं। चीफ इंजीनियर्स भी आज यहाँ प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, जूनियर इंजीनियर्स भी बैठे हैं, टेक्नीशियंस भी बैठे हैं, और ग्राउंड पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं, क्योंकि लोग जो है आज हमारे इंजीनियर्स और एम्प्लॉयज ये बताना चाहते हैं सरकार को कि कुछ भी स्टेटस को क्वो नहीं चल सकता, आप एक यथास्थिति बना के नहीं चल सकते, आपको आगे मूवमेंट करनी है, दोनों तरफ मूवमेंट होनी चाहिए।